સંઘપ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ અને સીઆઈએસએફના જવાનો દ્વારા ફ્લેગ માર્ચ યોજવામાં આવી હતી. દાદરા ચેકપોસ્ટ પરથી શરૂ થયેલી ફ્લેગ માર્ચ વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરીને લોકોને શાંતિપૂર્ણ રીતે લોકસભાની ચૂંટણીની મતદાન કરશો તેવો સંદેશ આપ્યો હતો. देखिए आज हम लोगों ने रूट मार्च किया है यहाँ पे सिलवासा में दादरा नगर हवेली में. जैसे आपको पता होगा 23 अप्रैल की डेट अनाउंस हुई है फॉर पोलिंग इन दादरा नगर हवेली और अनाउंसमेंट भी संडे को हो गया था. इसी संदर्भ में सीआईएसएफ की एक कंपनी आज सिलवासा आई है और एरिया डोमिनेशन के लिए जो हमारे डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं या वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे प्रॉपर पेट्रोलिंग रूट मार्च वगैरह कंडक्ट करने के लिए ताकि जो दादरा नगर हवेली की जनता है उसको कोई भी डर नहीं हो, किसी को भी वो वोट करे, अपने मन से वोट करे, किसी भी तरह का प्रभाव, इन्फ्लुएंस, मनी इन्फ्लुएंस, लिकर इन्फ्लुएंस या जोर जबरदस्ती ये दादरा नगर हवेली पुलिस और प्रशासन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और इसीलिए हमने ये रूट मार्च निकाला है ताकि हम ये जनता ये समझ पाए कि हम उनके साथ हैं, हम सफिशिएंट संख्या में 24 घंटे उनकी ड्यूटी पे अवेलेबल है. कोई भी तरह की शिकायत है तो हमारे पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पे, एसएचओ के नंबर पे, 112 की जो सर्विस अभी स्टार्ट हुई है उस नंबर पे कॉल करके हमें तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं. हमारी टीम इमीडिएटली उनके रेस्क्यू के लिए पहुँचेगी. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में भी है इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हम लोग इलेक्शन शांतिपूर्ण और प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर में करा पाएंगे. देखिए इलेक्शन का टाइम है तो नाकाबंदी भी लग रही है, बाहर की कंपनी भी आ गई है. तो मैं उम्मीद करूंगा और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा हर एक सिटीज़न से कि वो अपना आईडी कार्ड ज़रूर लेके चले क्योंकि इस टाइम पे बाहर के जो सिलवासा के लोग नहीं हैं या दूसरे देश से आए हुए हैं जिनका यहाँ कोई रहने का रीज़न नहीं है उनको हम लोग ज़रूर राउंड अप करेंगे, थाने लाके पूछताछ करेंगे उनसे कि वो यहाँ पे क्यों थे. तो बेहतर यही है कि वो अपना आईडी कार्ड लेके चले, बाहर की सीआईएसएफ कंपनी किसी को पहचानती नहीं है तो अच्छा ये रहेगा कि वो अपना कार्ड रहे और सहयोग दें पुलिस की नाकाबंदी में. कुछ नाकाबंदी कुछ दिनों से लग रही है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी मेरे सामने आ रहे हैं जहाँ पे पब्लिक कॉपरेट नहीं करती है. उनको चेकिंग के लिए बताते हैं उनकी व्हीकल तो वो उल्टा जवाब देते हैं. तो ये जान ले ये चेकिंग होनी उन्हीं की सुरक्षा के लिए है और दादरा नगर हवेली पुलिस और सीआईएसएफ कंपनी ये करेगी. तो उनको सहयोग करना है, उनको अपना व्हीकल चेक कराना है, कोई भी कैश लिकर या कोई भी और संदिग्ध आइटम होगा तो हम उसको कन्फिस्केट करेंगे, उस आदमी को भी पकड़ेंगे. और इसमें किसी भी तरह की गलत शिकायत पुलिस के खिलाफ की जाएगी तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे उस पब्लिक के खिलाफ. तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए हम हैं और पब्लिक का कोऑपरेशन हमको चाहिए और उम्मीद है कि वो मिलेगा.